हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे। जैसा कि विद्यार्थियों, अभी मैं आपको पिछले कुछ समय से नहीं पढ़ा रही थी, तो उसका यही कारण था विद्यार्थियों कि मैं जो है आपको मैंने कहा था कि मेरी बुक छपने वाली है और मैंने छपने को दे भी दी थी। तो विद्यार्थियों, मैंने कोई झूठ नहीं कहा था, और लेकिन जो चीज़ें अपने हाथ में है वो तो इंसान कर लेता है, जो दूसरे के हाथ में चली जाती हैं उसको थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाता है अपने लिए। तो विद्यार्थियों, मेरा तो काम था कि मैंने अपनी बुक को लिख के कंपोजिशन करके छपने के लिए दे दिया, लेकिन अभी तक मेरी बुक मेरे हाथ में नहीं आई है। इसलिए विद्यार्थियों, थोड़ा सा लग रहा था कि कैसे मैं ठीक नहीं लग रहा था, इस वजह से मैं नहीं आ रही थी। खैर, जब आ जाएगी बुक और मेरे हाथ में आ जाएगी तभी मैं आपको उसका डेमो दूंगी, तभी आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। विद्यार्थियों, दूसरी भी मेरी बुक तैयार हो गई है, लेकिन मैं उसके लिए आपको कहूंगी नहीं कि मेरी बुक छपने गई है, क्योंकि जब छप के जब तक आ ना जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब कितना समय लग सकता है। भाई आज 8 दिन हो गए मुझे दिए, लेकिन अभी तक कोई मेरे पास रिस्पांस नहीं आया है, क्योंकि देखिए उसमें थोड़ा सा लगता है समय। मुझे भी आइडिया है इस बात का, क्योंकि कंपोजिशन होता है, छपाई होती है, फिर उसके बाद में उसकी सुखाई होती है, फिर कहीं जाके बाइंडिंग होती है, सारी प्रक्रिया बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है ये। तो धीरे धीरे समय बीत रहा है और बुक का समय नज़दीक आ रहा है। और विद्यार्थियों, आप सभी को मैं जो कह के गई और मैं अभी तक नहीं उसको दे पाई हूँ, इसके लिए आप सभी से एक बार मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। और विद्यार्थियों, अभी आप अजंता में मैं आपको छोड़ के गई थी, अजंता मैंने आपको कंप्लीट नहीं कराई थी, तो अजंता के ही कुछ टॉपिक मैं लेके आई हूँ, और उसको आप पढ़िए और देखिए समझिए कि आपने अभी तक क्या नहीं जाना है। यहाँ पर अजंता में प्रयुक्त रंग, सबसे पहली बात, अजंता में खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है, अजंता में खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। देखिए, खनिज रंग, मिट्टी के रंग और भूमिज रंग, कुछ तीन टाइप के आंसर देता है, ऑप्शन देता है। आपको सिर्फ और सिर्फ खनिज रंग लगाना है। खनिज रंग नहीं रहता है तब आप अगला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर तीनों रहता है तो आप खनिज रंग लगाएंगे। सफेद रंग चूना पत्थर से बनता था, चूना पत्थर या खड़िया से, सफेद रंग चूना पत्थर या खड़िया से बनता था। पीला रंग संखिया की भस्म से, पीला रंग संखिया की भस्म से बनता था, संखिया की भस्म से, इसे आर्सेनिक कलर भी कहते हैं, आर्सेनिक भी कहते हैं, आर्सेनिक रंग भी कहते हैं। हरा रंग, हरा रंग लाल व भूरा रंग, पहले हरा रंग, टेरावर्ट है हरा रंग, इसी को रंग सब्ज भी कहते हैं। टेरावर्ट कौन सा रंग था, अजंता में पूछ सकता है कि टेरावर्ट कौन सा रंग था, हरा रंग था। लाल व भूरा रंग, लाल व भूरा रंग लौह अयस्क से प्राप्त हुआ है, लाल और भूरा रंग लौह अयस्क से, धातुओं से मिला है। नीला रंग, नीले रंग की अपनी कुछ विशेषताएं हैं विद्यार्थियों, नीला रंग भारत में नहीं पाया गया था, इसलिए नीला रंग अजंता में, और अजंता में किस समय, गुप्तों के समय, नीला रंग आपके ईरान से, नीला रंग ईरान व अफगानिस्तान से, ईरान व अफगानिस्तान से मंगाया गया था। अगर ऑप्शन में ईरान व अफगानिस्तान दोनों रहता है तब आप क्या करेंगे, पहले ईरान को टिक करेंगे और उसके बाद अफगानिस्तान को टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में ईरान नहीं रहता है तब आपको अफगानिस्तान लगाना होगा, और अफगानिस्तान के कहां से, बदख्शां जिले से, बदख्शां जिले से। अजंता का नामकरण, अजंता को किसने बौद्ध शैली कहा, अजंता को किसने गुप्त शैली कहा, तो अजंता को बौद्ध शैली पर्सी ब्राउन ने कहा, बौद्ध शैली पर्सी ब्राउन ने कहा।
और राय कृष्णदास ने गुप्त शैली कहा। अजंता को गुप्त शैली किसने कहा? राय कृष्ण दास ने कहा। विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि कलर से बहुत क्वेश्चन आते हैं और आपके नामकरण से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इन चीज़ों को लर्न करेंगे आप। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, अपरिपक्व मूर्ति कला का, अपरिपक्व मूर्ति कला का प्रथम उदाहरण, अपरिपक्व मूर्ति कला का प्रथम उदाहरण कहाँ दिखाई देता है? तो अजंता में अपरिपक्व मूर्ति कला का उदाहरण, प्रथम उदाहरण दिखाई देता है। क्यों? उसका कारण है क्योंकि अजंता में जो भित्ति चित्र हुआ है वह बहुत ही सुंदर भित्ति चित्रों का प्रयोग हुआ है और भित्ति चित्र ऐसे बनाए गए हैं जैसे कि मानो बोल देंगे, जैसे कि मूर्तियां बनी हो, इस तरीके के भित्ति चित्र बनाए गए हैं। इसीलिए कहा गया है कि अपरिपक्व मूर्ति कला का प्रथम उदाहरण अजंता से प्राप्त होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन और पूछे जाने की संभावना भी बनेगी। वर्तमान समय में अजंता की कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं? अजंता की कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं? देखिए विद्यार्थियों, यह क्वेश्चन दिन पर दिन बदलता जा रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर दिन पर दिन बदलता जा रहा है। जब इसके पहले जब जो समय था उसमें 9 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते थे, उसके बाद में 6 गुफाओं में चित्र प्राप्त होने लगे। कौन कौन सी 6 गुफाओं में? 9, 10, 16, 17, 1, 2, 9, 10, 16, 17, 1 और 2। लेकिन वर्तमान समय में आपकी एनसीईआरटी के अनुसार वर्तमान समय में कुल 4 गुफाओं में ही चित्र प्राप्त होते हैं। कुल 4 गुफाओं में ही चित्र प्राप्त होते हैं। कौन कौन सी वह गुफा है? वह गुफा है 16, 17, 1 व 2। 16, 17, 1 व 2, कुल 4 गुफा। अच्छा, इसका रीज़न भी है क्योंकि सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? 13वीं है। सबसे प्राचीन चित्र किस में मिलते हैं? 9, 10 में। तो जाहिर सी बात है समय बदल रहा है, संरक्षण नहीं प्राप्त हो रहा है, तो गुफाओं में जो चित्र हैं वह नष्ट हो रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय की अगर बात करेगा और ऑप्शन में 4 और 6 दोनों दे रखेगा, तो मेरा मानना है, एनसीईआरटी का मानना है कि 4 ही गुफा में चित्र प्राप्त होते हैं। यह जानकारी आपको YouTube पे तो कोई नहीं देगा क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता है, इसलिए नहीं दे सकता है, नहीं दे पाएगा। तो विद्यार्थियों, अगर 4 ऑप्शन में है और इस तरीके का ऑप्शन बन रहा है तो निश्चित तौर पर आप यही लगाइएगा और यह एनसीईआरटी की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है। विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं कि मुझसे मेरे स्टूडेंट कहते हैं, मैम प्लीज़ आप यूट्यूब पे मत पढ़ाया करिए क्योंकि आप कंपटीशन को बढ़ा दे रही हैं। तो मुझे ये सोच के सुन के बहुत अच्छा महसूस होता है कि चलिए मेरे विद्यार्थी मुझे इस लायक तो समझते हैं कि जो कहते हैं ये बात, क्योंकि इतना गलत लोग इतना गलत वे में पढ़ा देते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं, वो खुद ही कला को आज तक उन्होंने खुद ही क्लियर नहीं कर पाया और कला पढ़ाने चले हैं। तो
ऐसी जानकारी, आधी अधूरी जानकारी आपको गर्त में डाल सकती है। इसलिए विद्यार्थियों, जो भी पढ़िए सॉलिड पढ़िए, सही तरीके से पढ़िए। और विद्यार्थियों, मैं आप सभी को एक और मैसेज देना चाह रही हूँ कि मेरा अपना जो ऐप है वह आर्ट गंगा ऐप पर आप उसको प्ले स्टोर में जाएं और डाउनलोड कर लें। मेरी 3 दिन की क्लास डेमो फ्री है। सभी विद्यार्थी, जितने लोग पढ़ना चाहते हों और वो डेमो की क्लास जो है हो रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो डेमो की क्लास लें और देखें कि कहीं धोखा तो नहीं हो रहा आपके साथ, कहीं आपकी फीस लेके बंद तो नहीं कर दी जा रही है क्लास। इस तरीके को देख के समझ के तब एडमिशन लें और पढ़ें। विद्यार्थियों, ऐसा मैं इन समय में देख रही हूँ, जो ये दौर चल रहा है इसमें विद्यार्थियों के साथ बहुत अत्याचार, एक तरीके से कह लीजिए अत्याचार हो रहे हैं, टीचर्स भी कर रहे हैं। और आयोग की तो छोड़ ही दीजिए, आयोग तो अपने में ही रमा है, वो अत्याचार करने पे जो तुला हुआ है, लगा हुआ है। तो इसलिए विद्यार्थियों, सही की तरफ जाइए, गलत की तरफ मत जाइए, क्योंकि इंसान एक बार धोखा खाता है, बार बार नहीं खाना चाहिए उसको धोखा। इसलिए विद्यार्थियों, आप लोग आर्ट गंगा ऐप है मेरा, उस ऐप में जाएंगे और इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए, जो विद्यार्थी हैं 8545 8545 00 4467, इस नंबर पर संपर्क करके विद्यार्थी आप लोग अपना जो है बार कोड मुझसे ले लेंगे और बार कोड लेके अपना जो ऐप है उसको जनरेट कर लेंगे और अपना जो है ऑनलाइन पढ़ाई करिए। ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको अपने अगले वीडियो में यहीं पर मिलूंगी। धन्यवाद, नमस्कार।